हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिक्शन चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट पार्ट, जिसका कि टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को घटा सकते हैं या फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे इस कॉन्क्लूजन पे पहुँचे कि ये चीज़ फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है। जैसे मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी कि ये चीज़ फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है, तो आपको ये उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, गुजरेंगे, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि यस, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि यस, ये चीज़ सच में फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए एक्टिविटी 12.2 की गई है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 12.2 में क्या कहा गया है। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, एक जो ब्रिक है उसके अराउंड आप एक धागा बांध लीजिए। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना, ये स्ट्रिंग के अराउंड में एक ब्रिक है, एक यानी ईंट ले ली गई है और उसमें एक मजबूत धागा आपने बांध लिया है, ठीक है। फिर क्या किया हमने कि पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस आप सब लोग जानते होंगे कि ये आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, जनरली जब हमारे पास गैस सिलेंडर आता है बाहर से, ठीक है, तो हम गैस सिलेंडर को इसी स्प्रिंग बैलेंस में वे करते हैं। तो ये रेडी टू यूज़ सॉल्यूशन है वेइंग करने के लिए कि किसी भी चीज़ को हमें अचानक से वे करना है। आपने एयरपोर्ट्स पे भी देखे होंगे कि इस तरह के स्प्रिंग बैलेंस में आप जो है अपनी जो है सूटकेस है उसको जो है आप लगा करके उसको वजन करते हैं कि एग्जैक्टली कितना वेट हुआ, ठीक है। तो गैस सिलेंडर्स के जो आते हैं डिलीवरी बॉय, उनके पास भी ये मशीन रहती है स्प्रिंग बैलेंस, तो इससे पता चल जाता है कि किसी चीज़ का कितना वेट है, ठीक है। तो वेट जितना होगा उसी के हिसाब से हमें फोर्स लगाना होगा, ठीक है। यानी कि ये स्प्रिंग का ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना यहाँ पे लाइन, तो ये जो है वहीं पे जितना वेट ज़्यादा होगा, इस यहाँ से जितना वज़न कोई चीज़ खींचेगी ये चीज़ उतनी ज़्यादा स्प्रिंग इसके अंदर का जो कॉइल है वो उतना ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। तो खींचेगा तो वहाँ पे एक यहाँ पे आ गया, यानी कि इसका वज़न 60 kg है, ठीक है। यहाँ पे आ गया यानी कि इसका वज़न जो है 70 kg है, ठीक है। यही रह गया यानी यहाँ इसका वज़न 20 kg। तो जितना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगा उतना ज़्यादा उस चीज़ का वज़न होगा, या हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है स्प्रिंग बैलेंस का, कि यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। यानी कि हमको ये जो धागा हमने ब्रिक में बांधा है ये हमको स्प्रिंग बैलेंस में बांध लेना है। इस पूरे सेटअप को हमको नीचे फ्लोर पर रखना है और इस स्प्रिंग बैलेंस से इस ब्रिक को खींचने की कोशिश करना है। इससे हमको बांध के रस्सी से स्प्रिंग बैलेंस को खींचना है। तो क्योंकि ब्रिक में कुछ वज़न है इस वजह से उसका स्प्रिंग कुछ खींचेगा। तो जिस पॉइंट पे आके स्प्रिंग रुकेगा, सपोज 2 kg पे आके रुका, ठीक है, यानी कि आपको 2 kg का एक फोर्स जो है लगाना पड़ रहा है ताकि ब्रिक को आप मूव करा सके। उस जो सरफेस जिस पे हम ब्रिक को खींच रहे हैं उसकी स्मूथनेस इतनी है कि आपको 2 kg का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। इट गिव्स यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो क्योंकि आपको कुछ मतलब फोर्स लगाना पड़ा इस स्प्रिंग बैलेंस में रस्सी को बांध के, तो ये एक मेजर दे रहा है कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ब्रिक और सरफेस के बीच में है उसको ओवरकम करने के लिए आपको 2 kg का फोर्स जो है वो लगाना पड़ा, ठीक है, तभी तो उसमें रीडिंग आ रही है 2 kg। वैसे ही अब क्या करना है आपको, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रिक है इसके अराउंड इसको चारों तरफ से एक पॉलिथीन आपने देखी होगी, पॉलिथीन बहुत स्लिपरी सी होती है, ठीक है, फिसलती है, बहुत स्मूथ होती है पॉलिथीन। तो अगर हम ब्रिक को पॉलिथीन में लपेट देंगे और फिर इसी तरह से स्प्रिंग बैलेंस को उसको भी खींचेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंग बैलेंस से बहुत ईजिली आप जो है उसको खींच ले रहे हो। और स्प्रिंग बैलेंस पे उस वक्त आप रीडिंग देखोगे तो हो सकता है आपको 1.5 kg का ही रीडिंग दिखाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाए। यानी कि जो सरफेस पहले था, ठीक है, और अब जो सरफेस है ब्रिक का
उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो गया। पहले ब्रिक का जो रफ सरफेस था वो फ्लोर के कॉन्टैक्ट में था, लेकिन अब हमने ब्रिक के चारों तरफ पॉलिथीन लपेट दी है जो कि काफ़ी स्मूथ है। तो ये स्मूथ सरफेस जो है पॉलिथीन का जो ब्रिक के अराउंड लपेटा हुआ है वो जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है फ्लोर के। तो यानी अब फ्लोर और पॉलिथीन के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया है पहले से। क्यों? क्योंकि अब पॉलिथीन की स्मूथ सरफेस है। यानी हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, जो कि जो भी सरफेस इन्वॉल्व है, दो आपस में दो सरफेस इन्वॉल्व है, अगर दोनों में से किसी एक की भी स्मूथनेस ज़्यादा हो जाती है पहले से तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। या तो हम दोनों की ही स्मूथनेस बढ़ा दें तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेकिन किसी एक सरफेस की भी स्मूथनेस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन का जो है अमाउंट वो घट जाएगा, जैसे कि हम इस एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? यस, हमने देखी कि पहले जो रीडिंग थी वो 2 kg के अराउंड थी और अब जो रीडिंग आ रही है वो 1.5 kg के अराउंड है, ठीक है। व्हाट माइट बी द रीज़न? क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न यही है कि अब क्योंकि पहले और अब में तो केवल यही डिफरेंस है कि हमने पॉलिथीन से उसको रैप कर दिया और तो कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस की वजह से ही ये चीज़ जो हुई है, नहीं तो और तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो एक जो जूट का बैग आता है, जूट मतलब जो बोरा कहते हैं, ठीक है, उसको आप ब्रिक के अराउंड लपेट दीजिए और फिर इसी एक्टिविटी को फिर से परफॉर्म करिए। अब आप क्या देखेंगे कि ब्रिक का तो फिर भी थोड़ा सा स्मूथ था, लेकिन हमने जूट बैग लपेट दिया तो जूट और ज़्यादा रफ है, तो जब उसको हम पुल करेंगे तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अब जो सरफेस है वो पहले से भी ज़्यादा रफ हो गया। तो इन तीनों केसेस में हमने देखा कि स्मूथनेस ऑफ द सरफेस प्ले अ मेजर रोल व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स प्ले इन एक्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्मूथनेस ऑफ द सरफेस जो है वो फ्रिक्शन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। ग्रेजुएटेड मतलब जो मार्किंग होती है ना उसको ग्रेजुएशन कहते हैं, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना ये लाइन छोटी छोटी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना ये लाइन छोटी छोटी, तो इसी को ग्रेजुएशन कहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएटेड स्केल यानी नपी तुली स्केल, जिसका कि पहले से ही मार्किंग हो, स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग हो, उसको हम ग्रेजुएटेड स्केल कहते हैं। आपकी जो स्कूल में जो आप जैसे लाइन खींचते हैं उस स्केल में भी ऐसे ही ग्रेजुएटेड स्केल होती है वो भी। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये एक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी दे रही है। ये तो एक्चुअली वजन उठाने के लिए होता है, लेकिन जब हम उसको खींच रहे हैं तो उसमें भी कुछ जो है फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम एक तरीके से मतलब इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि इतना फोर्स लग रहा है, यानी कि उसको ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी उतना फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमें ये एक अंदाज़ा लग जा रहा है कि स्मूथनेस ऑफ द सरफेस प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग द फ्रिक्शन। आप परफॉर्म की गई है एक्टिविटी 12.3, एक और एक्टिविटी परफॉर्म की गई है ये बताने के लिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्रिक्शन। तो पहला फैक्टर ये हो गया स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। अब दूसरा फैक्टर को समझने के लिए हमको ये एक्टिविटी करनी होगी, एक्टिविटी 12.3। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। पुट ए मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड ए पीस ऑफ क्लोथ। यानी कि हमको एक अभी एक्टिविटी करनी है कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं कि एक हमने यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन बना लिया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लाइन प्लेन, ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं ये इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन मतलब 45 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक आप यहाँ पे एक मार्क लगा लीजिए, ठीक है। यहीं से आप एक जो है बैटरी ले लीजिए, जो घड़ी की बैटरी होती है सेल, उसको बार बार यहाँ से आप ऐसे करिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो सरक करके ऐसे दूर तक जाएगी, ठीक है। पहली एक एक्टिविटी ये करिए, ठीक है।
फिर क्या करिए, आप टेबल पे कपड़ा बिछा लीजिए, ठीक है। कपड़ा बिछाने के बाद क्या है, फिर उसी मार्क से, सेम उसी जगह से, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी मार्क से उस सेल को फिर से आप जो है ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आप सेल जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिए पहले और अब, जैसे ये सेल यहाँ से हमने इसको यहाँ से फेंका और यहाँ तक ये आकर के रुकी, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस इस केस में, और यही डिस्टेंस जब हमने कपड़ा नहीं बिछाया था, जब हमारा टेबल बिल्कुल खाली था ऊपर वाले केस में, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में ज़्यादा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू कि सेकेंड केस में, तो सेल इतना ज़्यादा कैसे ट्रेवल की, ठीक है। पहले केस में जो है सेल वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की जबकि हमने वहाँ पे जो है क्लोथ नहीं बिछाया था, और जब हमने क्लोथ बिछा दिया तो वहाँ पे जो है सेल जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल की पहले के कंपैरिजन में। मेक श्योर डैट देयर आर नो रिंकल्स ऑन द क्लोथ, ट्राई द एक्टिविटी अगेन। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी की। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट दिस एक्टिविटी। यानी सेम स्लोप में अगर हम वहाँ पे कपड़े की जगह पे रेत बिछा दें, फिर हम देखें और फिर से देखें और फिर से मेजर करें कि सेल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, तो हम देखेंगे जिस केस में सैंड बिछा हुआ है, क्योंकि सैंड बिल्कुल ही रफ सरफेस होता है, ठीक है, तो हम देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस किस में करेगी इट सेल ट्रेवल, जब सैंड बिछा होगा, फिर क्लोथ बिछा होगा, और फिर जब टेबल बिल्कुल स्मूथ होगी तो सेल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। तो पेंसिल की जो सेल है ये अलग अलग डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रही है बार बार, ये क्यों है ऐसा? ये ऐसा इसलिए है कि जो रफनेस है, जो स्मूथनेस है सरफेस की, वो चेंज हो रही है। पहले केस में टेबल बिल्कुल स्मूथ थी तो सेल ने काफ़ी डिस्टेंस किया, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेबल और सेल के बीच में कम थी, स्मूथनेस ज़्यादा थी, और जब हमने क्लोथ बिछा दिया तो क्लोथ की वजह से थोड़ा फ्रिक्शन और बढ़ गया, स्मूथनेस चली गई, और जब हमने सैंड बिछा दिया तो सेल की जो ये जो बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा हो गई और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि रफनेस ऑफ द सरफेस ज़्यादा हो गई। यानी कि हमने देखा कि स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है, इन फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स टू एक्ट। एज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल्स मूव, यस, यानी कि जो नेचर ऑफ द सरफेस है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है कि सेल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। Could the smoothness of the surface of the cells also affect the distance traveled by it? Yes, जो सेल है उसकी खुद की स्मूथनेस भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करेगी कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब जैसे बूझो क्या कह रहा है कि आई शेल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। जो सेल है वो तो काफ़ी स्मूथ है, तो उसके अराउंड भी अगर हम सैंड पेपर जो है कॉइल करते, सैंड पेपर काफ़ी रफ सा सरफेस होता है उसका, तो भी ये एक्टिविटी आप करके देखिएगा तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि किसी की भी रफनेस ऑफ द सरफेस, चाहे सेल की हो चाहे जिसके ऊपर वो रोल कर रहा हो, अगर दोनों की ही स्मूथनेस या रफनेस घटा या बढ़ा दी जाए तो हमारे रिजल्ट्स वैरी करते हैं। तो दोनों ही सरफेसेस की फ्रिक्शन या स्मूथनेस या रफनेस अगर घटेगी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन जो है वो बदल जाएगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है, दोनों ही सरफेसेस के रफनेस और स्मूथनेस फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करेगा। फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन कैसे होता है कि जो दो चीज़ें जो आपस में कॉन्टैक्ट में आई रहती हैं उनके सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज होती है, छोटी छोटी, वो खुली आंखों से हमें दिखती नहीं है लेकिन वहाँ पे वो इरेगुलरिटीज रहती हैं। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसिस लॉक इन टू वन अनदर, वैन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। यानी दो सरफेसेस जब आपस में ऐसे रगड़ खा के चलते हैं तो उनके अंदर के जो छोटी छोटी इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपस में लॉक हो जाती हैं, तो इसकी वजह से जब वो हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो मूव नहीं होती है, तो इस वजह से हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है टू ओवरकम दैट इंटरलॉकिंग, जो इंटरलॉकिंग हो गई होती है उनके बीच में उसको ओवरकम करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा ये सरफेस रफ हमें उतना ज़्यादा
फोर्स लगाना पड़ेगा उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, और जितना ज़्यादा ये स्मूथ रहेगा उतना हमें कम फोर्स लगाना होगा। यानी कि रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस प्ले अ मेजर रोल इन केस ऑफ फ्रिक्शन। इररेगुलरिटीज होती हैं उनके बीच में एक इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये एक सरफेस है, तो सरफेस का ये डिटेल व्यू है, ठीक है। बुक और टेबल के बीच में जो दो सरफेसेस हैं, बुक आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ब्राउन कलर की टेबल दिख रही है, तो ऊपर से देखने में तो स्मूथ है, लेकिन अंदर से थोड़ी छोटी इररेगुलरिटीज़ होती हैं। तो ये जो आप इररेगुलरिटीज़ देख रहे हैं, ये आपस में क्या करती हैं, एक इंटरलॉकिंग कर लेती हैं, ऐसे ज़िगज़ैग करके इंटरलॉकिंग कर लेती है। तो इसी इंटरलॉकिंग को, इसी जो कनेक्टिंग फोर्स है दोनों के बीच में, इसी को ओवरकम करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, तभी कोई चीज़ जो है वो चलती है। तो ये इररेगुलरिटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी प्रोमिनेंट होंगी, फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और ये इररेगुलरिटीज़ जितनी कम होगी, किसी एक सरफेस में भी ये इररेगुलरिटीज़ कम होगी, तो जो इंटरलॉकिंग की प्रोसेस है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। और दोनों ही सरफेस में ये इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा फ्रिक्शन जो है दोनों के बीच में होगा। और अगर दोनों ही सरफेस स्मूथ हो जाएंगी तो इंटरलॉकिंग बहुत ही ज़्यादा कम होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो है वो बिल्कुल फिसलेंगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो जो फिसलने की प्रोसेस है, कभी हम वेट ज़मीन पे जो है फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है वो एक्ट नहीं करता है। कोई एक सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है तो ये इंटरलॉकिंग की प्रोसेस हो नहीं पाती है हमारे पैरों या हमारी चप्पल और सरफेस के बीच में, और हम फिसल जाते हैं। तो स्मूथनेस जो है काफ़ी हद तक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है फ्रिक्शन के टाइम पे, कि फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस डिसाइड करती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। ऑन द रफ सरफेसेस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ इररेगुलरिटीज, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ वी हैव ए रफ सरफेस इन्वॉल्व। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर रफ सरफेस इन्वॉल्व होगा तो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हमको जो है मिलेगा देखने को। सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। हमने ये देखा कि दो सरफेसेस हैं, उनके बीच में इररेगुलरिटीज होती है, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स होता है। लेकिन अगर मैं इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर से एक और फोर्स लगा दूं, उसको और दबा दूं, ठीक है, और जब प्रेस कर दूं, तो वो जो बीच में इररेगुलरिटीज आप देख रहे थे वो और ज़्यादा अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगी। तो फिर हम अगर उसको मूव करने की कोशिश करें तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी, पहले से भी ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, तो यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वेट, वजन से भी काफ़ी हद तक प्रभावित होता है, ठीक है। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. जैसे कि यहाँ पे समझाने के लिए एक example बताया गया है कि कोई mat है, उसके ऊपर कोई नहीं बैठा, आप उसको खींचिए तो फर्श और mat के बीच में जो friction force है वो थोड़ा होगा, तो आप आराम से उसको खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस मैट के ऊपर कोई बैठ जाए ऊपर से, तो जितना ज़्यादा उसका वजन होगा मैट को खींचने में हमें उतनी दिक्कत होगी, क्योंकि जो मैट और फर्श के बीच में जो इररेगुलरिटीज़ हैं वो और ज़्यादा प्रेस हो गई, और ज़्यादा जो है ज़्यादा अच्छे से जॉइंट हो गई हैं। तो उन इररेगुलरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, तो फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़का जो है वो बॉक्स को ऐसे पुल कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो इसमें काफ़ी वजन है, ठीक है। अगर ये बॉक्स खाली होता तो ही कुड हैव पुल दैट बॉक्स वेरी इजिली, बट वजन होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वजन की वजह से जो इंटरलॉकिंग है, जो स्मूथनेस ऑफ द टू सर्फेसिस के बीच में जो रफनेस है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंटली एक्ट करने लग गई हैं। यानी कि फ्रिक्शन किसके ऊपर, जो पहला तो केस था कि वो स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे अब वेट भी जो है एक रोल मेजर प्ले कर रहा है, कि अगर हम ऊपर से फोर्स लगाएं तो फ्रिक्शन भी यहाँ से भी बढ़ जाता है, ठीक है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं,
If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the object from rest or to move it when it is already in motion? जैसे कि कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको आप अचानक से धक्का लगाना शुरू कर दो तो उसको बहुत आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. लेकिन अगर कोई धक्का दे रहा है उस ऑब्जेक्ट को और आपने भी हाथ लगा दिया तो आपको बहुत कम ताकत लगानी पड़ेगी, कि वो बॉक्स ऑलरेडी मूव कर रहा था, आपने बस उसको और ज़्यादा पुश किया. यानी कि जब कोई चीज़ रुकी हुई है उसको वहाँ से स्टार्ट करना आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. लेकिन एक बार वो मूव करना शुरू कर दिया तो आपको थोड़ा आराम से आप उसको हल्का भी धक्का देंगे तो वो उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा आपको जितना कि आपने उसको स्टार्ट करने के लिए लगाया था. ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब रुकी हुई होती है तो उसको हिलाने के लिए, उसको चलाने के लिए आपके को जो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा जो कि उसमें और नीचे उसके जो फर्श है उसके बीच में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जुड़े हुए हैं दोनों, उसको ओवरकम करने के लिए एक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको कि हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना होगा जो कि ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो कि तब एक्ट में आता है जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, तो भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता ही है. ठीक है, तो जब वो स्लाइड कर रहा होता है तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है इसको मतलब ये कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन के, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आपको चलाने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो दो ये टर्म है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. ठीक है, when the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points of the floor. जब कोई चीज़ जो है रुकी हुई रहती है तो उसके contact point दूसरे के contact point से एकदम वो मिले रहते हैं. ठीक है, लेकिन एक बार वो जब मूव करना शुरू कर देती है तो पॉइंट्स को आपस में कॉन्टैक्ट होकर लिंक होने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि वो मूविंग है, तो इस वजह से वो दोनों उतनी तेजी से नहीं चिपक पाते हैं. ठीक है, इस वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो जो है थोड़ा आपको उसमें फोर्स कम लगाना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट गेट द इनफ टाइम टू लॉक इन टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर. सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. इसीलिए हम कहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन से. ठीक है, तो दैट इज वाई यू फाइंड इट समवॉट ईजियर टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड. इसीलिए अगर किसी बॉक्स को जैसे रुकी हुई है, रुकी हुई चीज़ को हिलाने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू जैसे कोई चीज़ चली आ रही है उसको फिर से आपको पुल करना हो तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ती है. तो होप करती हूँ आपको ये दो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्रिक्शन, देर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्रिक्शन, दैट इज स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस एंड वेट जो हम उसके ऊपर से पुट करते हैं. ये दो फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, पहला स्मूथनेस ऑफ द सरफेस एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दीज टू फैक्टर्स अफेक्ट वेरी मच. तो इसी को दूसरे तरीके से कहा गया है कि एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई चीज़ रुकी हुई हो और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब कोई चीज़ चल रही हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.